रुचि जल्दी करो, मैं लेट हो रहा हूँ यार। फ्रूट्स खा लो, मैं जूस ला रही हूँ। गुड मॉर्निंग बेटा, आज फिर लेट हो गए। हाँ पापा, रुचि ने सुबह उठाया ही नहीं। सुबह उठाओ तो जनाब उठते नहीं है और फिर मुझ पे ही बरसते। ये लो तुम्हारा जूस। बहुत मेहरबानी मैम साहब। रुचि बेटा, क्यों नाराज होती हो? राहुल कितना ख्याल रखता है हम सभी लोगों का, हमें किसी चीज की कमी होने नहीं देता, तो हमें भी तो राहुल का ख्याल रखना चाहिए। पापा रुचि है कि मेरा एहसान मानती ही नहीं। हाँ हाँ ठीक है, अपना बैग लेना मत भूलना और हाँ शाम को घर जल्दी आना। अरे सूरज, सुबह सुबह तुझे क्या हुआ, क्यों इस तरह से करकाट रहा है? तो आप आ गए, आइए आपका स्वागत है। ऐसे उखड़ा हुआ क्यों? बीवी से कोई झगड़ा हुआ है? मैं नहीं, हमारा बाप उखड़ा हुआ है, कब से पूछ रहा है राहुल कहाँ है, राहुल कहाँ है। ऐसी क्या आफत आ गई? वो सब मुझे पता नहीं, बॉस मीटिंग के लिए बुलाया है, चल अब जल्दी चल। चल यार। तो ये वक्त है आपके ऑफिस आने का? सर वो थोड़ा ट्रैफिक था इसलिए देर हो गई। बैठिए। क्या तुम्हें मालूम है आज माल वाले रोड पर एक मेजर एक्सीडेंट हुआ है, उसमें एक आदमी की जान गई और कुछ लोग घायल भी हुए। नो सर। गुड, तुम्हें ये तो पता होगा उसकी परमिशन हमारे ऑफिस से दी गई है और वो फाइल तुम ही डील कर रहे हो। सर पर एक्सीडेंट से उसका क्या लेना देना, शहर में आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, न जाने कितनी जाने जाती हैं। शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में लोग बड़े अनसेफ तरीके से गाड़ियाँ चलाते हैं, पता नहीं कौन इनको लाइसेंस दे देता है। मैं तो कहता हूँ पूरा का पूरा सिस्टम ही करप्ट है। यस मिस्टर राहुल, आज मीडिया और लोग भी हमारे बारे में यही बातें कर रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं सर? सभी की उंगलियां हमारे ऊपर उठ रही है। मैं तुमसे जानना चाहता हूँ ये सब कैसे हुआ, कहाँ कमी रह गई? ये मैं क्या बता सकता हूँ। क्या पार्टी ने वर्क प्रोग्रेसिव रिपोर्ट टाइम टू टाइम सबमिट की है? सर मुझे सारी रिपोर्ट चाहिए। और मिस्टर सूरज, यस सर, सर्वे आपके हाथ में है ना, आपकी रिपोर्ट क्यों नहीं आई अभी तक मेरे पास? सर शाम तक सारी रिपोर्ट मेरी टेबल पर आ जानी चाहिए। यू अंडरस्टैंड? यू बेटर अंडरस्टैंड? यू मे गो नाउ। अरे यार, बॉस ने तो सुबह सुबह दिमाग खराब कर दी, न जाने कहां से इनको रिपोर्ट की याद आ गई। मेरे को चक्कर आ रहे हैं। तेरा चक्कर तो मुझे पता नहीं यार, लेकिन तेरे इस चक्कर में एक दिन मैं जरूर फंस जाऊंगा। क्या बकवास कर रहा है तू? देख राहुल, तू अपनी रिपोर्ट बना के दे ताकि मैं अपनी रिपोर्ट बना सकूं। दे दूंगा यार, दे दूंगा। इस गोवर्धन के बच्चे ने तो मुझे फंसा ही दिया। बोलिए साहब, कैसे याद किया? तुम्हें पता नहीं बॉलीवुड वाले एक्सीडेंट के बारे में? मुझे आज ही रिपोर्ट सबमिट करनी है, तूने तो मुझे फंसा ही दिया। ये क्या कह रहे हैं साहब, हमें तो आप जैसे कई साहब लोगों का ख्याल रखना पड़ता है, आप तो सब जानते हैं। हाँ पापा, कहिए क्या बात है? बेटा, बहू को ना जाने क्या हो गया है, वो बेहोश हो गई है, तुम जल्दी घर आ जाओ। पापा रुचि को सीधे को पास का हॉस्पिटल ले जाओ, मैं सीधे वहीं आता हूँ। ठीक है बेटा। पापा रुचि कहाँ, कैसी है वो? बेटा बहू का ट्रीटमेंट चल रहा है, डॉक्टर ने बताया उसको फूड पॉइजन हुआ है और उसके शरीर में पूरा जहर फैला हुआ है, उसके जान को खतरा है बेटा। बेटा अपने आप को संभालो, बेटा अपने आप को अपने आप को संभालो बेटा। मैनेजमेंट हेड से मीटिंग फिक्स करो। डॉक्टर मेरी रुचि कैसी है, वो ठीक तो है ना? सॉरी मिस्टर, हम रुचि को नहीं बचा, आई एम सॉरी। डॉक्टर व्हाट्स द मैटर? सर मैं रुचि डेथ केस के बारे में बात करना चाहता हूँ। सर जब रुचि को हमारे हॉस्पिटल में लाया गया था तो उसे फूड पॉइजनिंग डिटेक्ट हुआ था,
फिर हमने उसको कुछ मेडिसिन और कुछ आईवीज दी, जिसका उस पर उल्टा रिएक्शन हुआ और उसके पूरे शरीर में जहर फैल जाने की वजह से उसकी मौत हो गई। तो आप कहना क्या चाहते हो डॉक्टर? सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो मेडिसिन और आईवीज हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो सभी सब स्टैंडर्ड्स के हैं, जिसकी रिलायबिलिटी कम है, तो इस स्टॉक को हम क्यों यूज कर रहे हैं? सर हम तो वही स्टॉक यूज करते हैं जो हमारे पास अवेलेबल होता है। अब ये कौन से स्टैंडर्ड का है ये देखना तो प्रोसेस डिपार्टमेंट वालों का काम है। ये काम इसका है, ये काम उसका है बोलकर हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते हैं डॉक्टर। हमें सतर्क रहना चाहिए, हम लापरवाह नहीं हो सकते। अगर हमें कहीं गड़बड़ लगती है तो हमें यह बात मैनेजमेंट तक पहुंचानी चाहिए, क्योंकि इसमें भ्रष्टाचार भी हो सकता है। चुप रहकर या नजरअंदाज करकर हमें इसका सहभागी नहीं बनना चाहिए। डॉक्टर मुझे लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहे हो। इन दवाई को तुम सब स्टैंडर्ड के बता रहे हो, हमारे यहाँ काफी समय से वही इस्तेमाल किया जा रहा है और एक हॉस्पिटल है यहाँ, अगर किसी को जिंदगी मिलती है तो किसी की मौत भी होती है, और आज भी यहाँ सिर्फ एक इंसान मरा है। दैट्स ऑल। दैट्स नॉट ऑल सर, यहाँ सिर्फ एक इंसान नहीं मरा है बल्कि हमारी इंसानियत मरी है, हमारा किरदार और हमारा जमीर भी मरा है। डॉक्टर सर भ्रष्टाचार एक अभिशाप है, अगर हमारे द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का कोई और शिकार हो सकता है तो किसी और के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार का हम भी शिकार हो सकते हैं। अगर हर इंसान इस बात को समझ जाए तो पूरे देश से भ्रष्टाचार का नामो निशान मिट सकता है। जाती 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 ज